हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के स्टूडियो में हम करेंगे चैप्टर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी पदार्थ, धातु एवं अधातु, फोर क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड वी विल कवर ऑल एक्टिविटीज आल्सो, एंड वी विल कवर दिस चैप्टर इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश साइमल्टेनियसली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपने अपने चारों तरफ बहुत प्रकार के पदार्थ देखे हैं। There are so many materials around you. कुछ ऐसे जो तांबा है उसकी तरह कुछ ऐसे चमकदार पदार्थ हैं, कुछ जो है गोल्ड यानी सोने की तरह चमकदार हैं, कुछ इस तरह के द्रव पदार्थ हैं जिस तरह पारा जो है, आपने कोयला देखा है, आप जिस गैस से सांस लेते हो, जो गैस हमारे रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है यानी ऑक्सीजन, वो भी एक तरह का क्या है, पदार्थ है। पानी एक तरह का पदार्थ है। इसके अलावा ये क्या है, ये लोहा है, आयरन। तो ये काफी सारे, ये तो हम कुछ ही जो है यहाँ पर लिए हैं हमने। इसके अलावा बहुत तरह के जो है क्या है, पदार्थ हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे और पदार्थों को दो जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे कौन से हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस यानी जिनमें किसी तरह की कोई भी मिलावट ना हो, जो एकदम पूरी तरह से प्योर हो। जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं, लोहे की, तो उसके अंदर जितने भी कण होंगे वो सारे किसके होंगे, वो सारे लोहे के होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में क्या होगा, इसके अंदर जितने भी कण होंगे वो सारे किसके होंगे, वो सारे जो है गोल्ड के होंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके अंदर जितने भी कण होंगे वो सब किसके होंगे, वो ऑक्सीजन के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन है तो उसके अंदर कुछ कण जो है वो लोहे के मिला दिए जाएं, या गोल्ड है तो उसके अंदर कुछ कण जो है वो तांबे के मिला दिए जाएं, यानी कॉपर के मिला दिए जाएं। यानी एक पदार्थ अगर शुद्ध है तो उसके अंदर एक जैसे जो कण हैं वही मिलेंगे और वही पदार्थ शुद्ध होता है। अब शुद्ध पदार्थ को भी हम दो जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट होता है जो एलिमेंट्स, ठीक है। सो जिसमें एक ही प्रकार के जो कण हैं वो मिलेंगे, वो क्या कहलाते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, यानी प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और जिसमें मिलावट होगी, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें दूध है, तो वो जो है एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इसके अलावा पानी की बात करें तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब अगर H2O की बात हम करते हैं तो H2O में जितने भी कण होंगे वो सारे किसके होंगे, H2O के होंगे, तो वो क्या होगा, वो भी एक प्योर सब्सटेंस होगा। इस तरह प्योर सब्सटेंसेस को भी हम टू जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ठीक है, तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा यौगिक यानी कंपाउंड्स। और हम इस चैप्टर में जो तत्व हैं यानी एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी के बेस पे हमने एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कौन सी कैटेगरीज होंगी, ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स यानी आवर्त सारणी, तत्वों की आवर्त सारणी। और इसमें आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, और ये सारे के सारे एकदम प्योर जो है सब्सटेंसेस हैं। अब इसमें देखिए, ये हैं जो इधर वाले, ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। इस तरफ वाली क्या है, मेटल्स, और ये जो हैं दीज आर नॉन मेटल्स। और ये जो आपको बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब क्या हैं, दीज आर मेटलॉइड्स। अब जो मेटल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, ठीक है, कॉपर है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक मेटल से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। लेकिन जो मेटलॉइड्स हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके बीच की हैं। मतलब कैसे, कि जो मेटलॉइड्स हैं इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं, वो कुछ तो मेटल यानी धातुओं से मिलते हैं
और कुछ नॉन मेटल्स यानी अधातुओं से मिलते हैं और इसी कारण इनको मेटालॉइड बोला जाता है यानी उपधातुएं। मेटालॉइड को हम क्या कहेंगे? मेटालॉइड को कहेंगे हम उपधातुएं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटालॉइड्स क्या हैं। ज़्यादा डिटेल में आप इसको नेक्स्ट जो है क्लासेस में पढ़ोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटीरियल्स लाइक आयरन एल्यूमिनियम कॉपर एटसेट्रा। सम मटीरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो आप लोहा एल्यूमिनियम तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से भलीभांति परिचित हो। इसमें कुछ जो एग्जांपल लिए गए हैं, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन कैसा है? आयरन कुछ कुछ शाइनी है लेकिन ये कैसा है, हार्डनेस कैसी है इसकी? वेरी हार्ड। कोल इज डल एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड। सल्फर इज ऑल्सो डल एंड बट इट इज नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम इज वेरी शाइनी एंड इट्स वेरी हार्ड। एंड कॉपर इज शाइनी एंड वेरी हार्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कुछ पदार्थ जो है वो चमकदार हैं, कुछ निष्प्रभ हैं, कुछ बहुत कठोर हैं तो कुछ जो है ज़्यादा कठोर नहीं हैं। इस तरह से हम इनको बांट सकते हैं, सारणी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू नेम द मटीरियल विच आर मेटल्स, द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। यानी आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं और सारणी 4.1 में शेष जो पदार्थ हैं वो अधातु हैं। यानी अगर आप टेबल 4.1 देखोगे उसमें लोहा तांबा वो क्या थे, वो धातुएं हैं। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी उनके जो भौतिक गुण हैं और जो रासायनिक गुण हैं उनके आधार पर ही हम उनको अलग अलग करते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो उनकी चमक है, उनकी कठोरता है, वो कैसी जो है उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे गुण हैं उनके, वो उनके जो है भौतिक गुण हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सो वी विल डू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फर्स्ट। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड और शोवल एन एक्स। आपने देखा होगा कि जो लोहार होते हैं, ब्लैकस्मिथ लोहार, वो क्या करते हैं, वो आयरन के जो लोहे के टुकड़े होते हैं या उनसे बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फावड़ा है, बेलचा है, कुल्हाड़ी, इन सबको पीटते हुए आपने जरूर देखा होगा। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। आप देखते हो कि जब वो उसको पीटते हैं तो उसकी जो शेप है टुकड़े की, लोहे की, वो चेंज हो जाती है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट अ वुड लोग। क्या आपने कभी लकड़ी के टुकड़े को ऐसे शेप बदलते हुए पीटने पर, जब अगर शेप जैसे लोहा बदल लेता है, क्या आपने लकड़ी के टुकड़े को देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। लेट्स फाइंड आउट, इसके बारे में जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। तो आपको क्या देखना है, एक लोहे की कील लेनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है और एल्यूमिनियम की तार एंड और एक पेंसिल जो है, पेंसिल के जो लिड होता है वो लेना है, पेंसिल का सिक्का जो बोलते हो। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। आयरन नेल को आपने हैमर से बीट करना है। एंड बट टेक केयर दैट यू डोंट हार्म योरसेल्फ इन दिस प्रोसेस। ट्राई टू हिट हार्ड, ठीक है, आपको बहुत उसको जो है प्रेशर के साथ जो है उसको बीट करना है। हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर, सेम प्रोसेस आपको एल्यूमिनियम वायर के साथ करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लिड। तो आपको ये प्रोसेस करने हैं। आप देखेंगे कि इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, आयरन नेल जो है वो फ्लैटन हो जाएगी, कोल पीस वो एकदम से बिखर जाएगा टूट के, एल्यूमिनियम वायर भी जो है क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी, और जो पेंसिल लिड है वो भी टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप देखोगे कि जो आयरन नेल है और एल्यूमिनियम वायर है उसकी जो शेप है वो क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है।
इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, अगर इनको और ज्यादा पीटा जाएगा, इनको और ज्यादा जो है फोर्स के साथ इनको बीट किया जाएगा, तो वो क्या हो सकते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट शीट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने सिल्वर फॉयल देखी है जो स्वीट्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड, इससे भी आप फेमिलियर हो, जो एल्यूमिनियम फॉयल है जिसमें जो फूड है वो रैप किया जाता है, वो भी आपने देखी है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, यानी ये जो प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम है उसको पीट पीट कर क्या जो है एक उसकी फॉयल बना दी गई है, ठीक इसी तरह जो सिल्वर है उसको भी बिल्कुल पीट के उसको क्या किया गया है, उसको इतनी पतली जो है उसको बना दिया गया है कि वो स्वीट्स की डेकोरेशन में उसको यूज किया जाता है। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो धातुओं का गुण है, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहेंगे अधात वर्धनीयता, ठीक है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटीरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, यानी जो कोल है या पेंसिल का जो लीड है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं थी, वो एकदम से टूट के बिखर गया था। कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स, क्या हम इनको मेटल्स यानी धातु कह सकते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हार्ट, यानी क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के जो पात्र हैं उनको बिना किसी परेशानी के पकड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, हाथ जल जाएगा। वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बींग हार्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स, यानी जो भी मेटल की बनी हुई चीजें हैं, आयरन की, एल्यूमिनियम की, तो इनके इनको जो है अगर ये गर्म हैं तो इनको पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन जो लकड़ी की चीजें हैं उनको हम इजिली पकड़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसिस वट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, आपको पता है जो स्क्रू ड्राइवर हैं होते हैं उनके अंदर से भी जो हीट है वो पास नहीं होती, जो हैंडल्स होते हैं उसमें से, ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर जो प्लास्टिक है उसकी कवरिंग होती है, एंड प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई, लेट्स फाइंड आउट। सो उसके जो हैंडल्स होते हैं दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक, जो पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर क्या है, पेचकस, तो स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, तो आपने 6th-7th में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की हुई हैं, आपने एक बल्ब लिया है, यहाँ पे सेल जो है वो लगाया हुआ है और बीच में आयरन नेल है, तो आप देखिए कि इसमें किस तरह से प्रवाह होता है। एंड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6th, यानी आप जो है इसकी ये एक्टिविटी अलग अलग तरह से भी कर सकते हो, आप इस आयरन नेल की जगह यहाँ पर आप लकड़ी का टुकड़ा लगा के टेस्ट कर सकते हो, कोयला जो है उसका टुकड़ा लगा के कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉयल लगा के कर सकते हो, और आपको ये अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ पर पुट करनी है। जैसे अब जब आपने आयरन नेल लगाया तो क्या बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ, सो यहाँ पर क्या होगा, अगर बल्ब ग्लो होता है तो आयरन से बल्ब जो है वो क्या होगा, ग्लो होगा। सो आयरन इज ए गुड कंडक्टर, ये क्या होगा, ये सुचालक होगा, गुड कंडक्टर यानी सुचालक। सल्फर से जो है ये नहीं होगा, सो इट्स अ पुअर कंडक्टर यानी कुचालक। कोल पीस से भी नहीं होगा, इट ऑल्सो पुअर कंडक्टर। कॉपर वायर से, तांबे की तार जो है उससे हो जाएगा, सो ये क्या है, ये सुचालक होगी। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor, while rolled sulfur pieces and coal pieces are poor conductors. यानि हम कह सकते हैं कि लोहे की छड़, कील, तांबे की तार, ये सब क्या हैं, सुचालक हैं। यानि इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत धारा है वो पास हो सकती है, लेकिन जो सल्फर है यानी गंधक और कोयला वो क्या हैं, वो कुचालक हैं। Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity. We learned this in class 6th.
तो हमने ये एक्टिविटी जो है सिक्स में भी की थी, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स हैं, वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? आप बता सकते हो कि एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का और कहाँ पर प्रयोग करते हैं? हाउ यू सीन वायर्स ऑफ कॉल? क्या आपने कभी कोल की जो वायर्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्या आपने देखी है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी जो मेटल्स हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, उन्हीं की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू वायर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। ठीक है, ये धातुओं का वह गुण है जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, और ये धातुओं का गुण कहलाता है तन्यता। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंसेस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? आपने कभी लोहे की शीट जो होती है, या प्लेट कह सकते हो, धातु का सिक्का है या कोयले का टुकड़ा है, क्या आपने उसको फर्श पर गिराकर उसमें उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? तो आप उनकी जो साउंड होगी उनमें क्या आप जो है डिफरेंस पाओगे? तो आप देखोगे कि जो कोल है उसकी कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन जब लोहे की प्लेट है या एल्यूमिनियम की कोई प्लेट है वो नीचे गिरेगी तो क्या होगा, उससे आवाज उत्पन्न होगी, यानी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। हैव यू एवर सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल? क्या आपने कभी मंदिर में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? कैन यू गिव रीजन क्यों? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। यानी जो भी मेटल्स की चीजें बनी हुई होती हैं, धातुओं की बनी हुई होती हैं, वो जो है क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वो ध्वनि जो है वो प्रोड्यूस करती हैं जब किसी भी सतह से टकराती हैं। किसी कठोर सतह से जब ये टकराएंगी तो एक जो है निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। मान लीजिए आपके पास टू बॉक्सेस हैं समान दिखने वाले, लेकिन एक लकड़ी का होगा एंड द अदर ऑफ मेटल, दूसरा धातु का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? तो आपको उन जो दो बॉक्स हैं उनको आप किसी भी चीज से, हार्ड सरफेस से टकरा कर, क्या आप ये बता सकते हो कि कौन सा बॉक्स लकड़ी का है, कौन सा बॉक्स धातु का है? तो आप बिल्कुल बता सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप बॉक्स को किसी हार्ड सरफेस पे चोट करोगे, मारोगे, तो क्या होगा, जो धातु का है यानी लोहे का अगर है तो वो क्या होगा, उसमें एक ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। जो मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, दे आर सेट टू बी सोनोरस, उनको हम क्या कहेंगे, सोनोरस यानी ध्वनिक। द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, तो मेटल्स के अलावा मटेरियल जो हैं वो सोनोरस नहीं होते, यानी वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी धातुओं के अलावा जो दूसरे मटीरियल हैं वो सोनोरस नहीं हैं, यानी उनमें धातु जो है उनमें ध्वनि वो प्रोड्यूस नहीं होगी। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबो एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटीरियल आर हार्ड, लस्टर, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये सारी किसकी हैं, दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ मेटल्स। मेटल्स यानी वे कठोर भी होंगी, चमकीली भी हैं, अधातुवर्धता वाला जो गुण है वो भी होगा, तन्य यानी उनको तारों में भी बदला जा सकता है, उनसे ध्वनि भी उत्पन्न होगी, उन वो जो है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक भी हैं। एंड द मटीरियल्स वी जनरली पॉसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो जो मटीरियल ये प्रॉपर्टी जिनके अंदर होगी वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सभी क्या हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इन कॉन्ट्रास्ट मटीरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपेयरेंस। तो जो दूसरे मटीरियल हैं जैसे कोल है, सल्फर है, ये सॉफ्ट होते हैं और जो अपेयरेंस है उनकी वो भी कैसी होती है, डल होती है। दे ब्रेक डाउन इन टू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर।
ये जो मटेरियल है, ये जैसे ही इनको हथौड़े से हल्की चोट मारी जाएगी, ये जो है बिखर जाएंगे, चूरा हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स, ठीक है, वे ध्वनिक नहीं है, पुअर कंडक्टर्स हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम अधातु कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, यानी कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कुछ सॉफ्ट हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद कह सकते हो। सोडियम और पोटेशियम ये इतनी जो है कोमल हैं, इतनी नरम हैं कि उनको नाइफ के साथ काटा जा सकता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स विच वी कैन बी कट विद अ नाइफ, सो सोडियम एंड पोटेशियम। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सो विच मेटल इज लिक्विड, दैट इज मर्करी, मर्करी यानी पारा, ठीक है, जो थर्मामीटर में जो है फिल किया जाता है। तो दीज आर एक्सेप्शन, सो ये क्या है, ये अपवाद हैं। अब हम धातुएं और अधातुओं के बारे में पढ़ चुके हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको क्लियर हैं कि क्या उनकी मेनली जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी भौतिक गुण उनके वो क्या होते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर, ठीक है, जो तत्व हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कैटेगरीज क्या क्या हैं, वो कैटेगरीज हैं हमारी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। सो ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों की आवर्त सारणी, कि किस प्रकार से हम धातु, अधातु और उपधातुओं को हम अरेंज कर सकते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पे। सो ये थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।